पिपराइज थाने की पुलिस ने घर व दुकानों में नकब लगाकर चोरी करने वाले 3 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि पिपराइज थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर 3 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिनकी पहचान कामदेव सिंह पुत्र स्वर्गीय रामकिशन सिंह निवासी बधिक टोला पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा सूरज पांडे उर्फ कल्लू पुत्र सुनील पांडे निवासी लहरा दुर्गा मंदिर के पास रामपुर थाना ब्रजमनगंज जनपद महाराजगंज, हाल पता अमीना नगर कॉलोनी पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, तीसरा रवि कुमार पुत्र इंद्रकेश निवासी ग्राम हुलिया परतावल थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर, हाल पता मोहनापुर चौकीदार टोला थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्त अपने गैंग के सदस्यों के साथ सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर अपने आर्थिक भौतिक लाभ हेतु चोरी व नकबजनी से संबंधित अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी हैं। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 5/12/2022 को थाना पिपराइच में कामदेव आदि 3 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। इन अपराधियों का लंबा आपराधिक इतिहास है, ये चोरी व छिनैती के मामलों में शामिल रहे हैं। इनकी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है, यदि कोई अवैध संपत्तियां प्राप्त होती हैं तो उनको नियमानुसार जब्त कराया जाएगा।